पथरीले कोहसार के गाते चश्मों में गूंज रही है एक औरत की नर्म हंसी। दौलत, ताकत और शोहरत सब कुछ भी नहीं, उसके बदन में छुपी है उसकी आजादी। इस बाजार में गो हर माल बिकाऊ है, कोई खरीद के लाए जरा तस्कीन उसकी। एक सरशारी जिसे वो ही वाकिफ है, चाहे भी तो इसको बेच नहीं सकती। वादी की आवारा हवाओं आ जाओ, हवा की बेटी साथ हवा के गाती जाए। वादी की आवारा हवाओं आ जाओ, हवा की बेटी साथ हवा के गाती जाए। मैं कहाँ हूँ? ये तो हमारी ही बस्ती है, वही गलियां, पहाड़, नजारे, मगर यहां तो कुछ अलग है। खुशी है, खुशहाली है, आजादी है। क्या मैं पागल तो नहीं हो गई? आओ साथी, मगर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये सब एक तवील जद्दोजहद के नतीजे में ही मुमकिन हो सका। इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ मैं, मगर यहाँ के इंसानी रिश्तों से ना वाकिफ हूँ मैं। जिस जगह को मैं जानती हूँ, उधर आए दिन ही किसी गरीब और लाचार की जान पिदरशाही की लपेट में खो जाती थी। हर किसी की हैसियत एक मशीन के मखसूस पुर्जे जैसी थी। औरत मशीन का वो मखसूस पुर्जा थी जिसकी सारी जिंदगी, सारी मेहनत, सारी मुशक्कत नजरअंदाज हो जाती। वो समाज हर किस्म की ना बराबरी पर मबनी था। क्या यहाँ के बालादस्त तबके और सिंच ने औरत की जिद्दोजहद को दबाया नहीं? बेशक दबाया। ताकत एक ऐसा नशा है जिसकी लत रूह की गहराई में ही घुल मिल जाती है, और साथ साथ ताकतवर को अपने नशे का एहसास ही नहीं होने देती। इस पूरे सिलसिले में ताकतवर, मजलूम सब ही अपनी इंसानियत खो जाते हैं। इंसानियत तो बहुत ने खोई, लेकिन आप फीके तो दौर में एक लाजवाब औरत कमला भासन ने कहा था कि पिदर शहाना समाज में मर्द खुद ही इतना मुतासर होता है कि हालांकि वो इख्तियार में तो है, लेकिन वो एक जाली मर्दानगी के तस्वर पे उतरने के लिए अपना वजूद खो बैठता है। ना तो वो हंस सकता है, ना तो वो रो सकता है। और तो और, उसने वही ना इंसाफियां मजलूम बच्चों पे दे रहा है जो उसने खुद बचपन में कहे। इसी तरह बालादस्त तबकात और कौमों के मुआशी और कुदरती इस्तेसाल ने दुनिया को इतनी तबाही की तरफ धकेला कि वो अपने खौफनाक सरमाया दराना निज़ाम से अपने हाथ ही धो बैठे। काफ़ी मुश्किल वक्त और दहाइयों की अमली कोशिश के बाद इनको अपने जुल्म का एहसास हुआ। ताकतवर को समझ आया कि उनका बनाया हुआ समाज इंसानों की नहीं बल्कि मुर्दों की बस्ती थी। जिंदगी से डरते हो? जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो? आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। अगर नहीं हिलते
हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं, राह का निशान बन के लब अगर नहीं हिलते, हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं, राह का निशान बन के नूर की जबां बन के, नूर की जबां बन के हाथ बोल उठते हैं, हाथ बोल उठते हैं, सुबह की अजां बन के। बिदरशाही के दौर में हर इंसान अपना दुख दर्द अकेला ही सहता था। वक्त के साथ साथ एहसास हुआ कि इस दर्द को बांट कर ही पीछे छोड़ा जा सकता है। वो हमारी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी नशो नुमा का अहद ही था जिसने हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाया। जैसे एक जिस्म को जिंदा रहने के लिए पानी, खाना और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वैसे ही हमारी तहरीकों को कुव्वत और ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। इस तरह की समाजी हमाहंगी कैसे मुमकिन है? हमारी आंखें उम्मीद से ख्वाब दीदा हों और हम अपने सारे खौफ का बहादुरी से सामना करें, ऐसे ही हमारी काविशें हमारे हालात को बदलती हैं और एक मुतबादिल दुनिया कायम होती है। बेशक हमारे ख्वाब अलग हैं, इख्तलाफ़े राय इंसानी रिश्तों का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन जब हम मोहब्बत और हम आहंगी का फ़लसफ़ा अपनाते हैं तभी हम एक और जहां मुमकिन कर पाते हैं। हाँ, ऐसा जहां मुमकिन है, हाँ ऐसा जहां मुमकिन है, जहां गमों को बांटा जाता हो, इंसाफ को जांचा जाता हो, मजदूर को उजरत मिलती हो, इजहार को जुर्रत मिलती हो, तालीम सभी को यकसा हो, एक दौर खुशी का रक्सा हो, जहां दार ना हो, सरदार ना हो, वहशत का कारोबार ना हो, हाथों में हाथ हमारा हो, इत्तेहाद हमारा नारा हो, हम जुल्म के ठेकेदारों से, हम अमन के दावेदारों से, हम हक अपना मनवाएंगे, हम अमन का देश बसाएंगे। हाँ, ऐसा जहां मुमकिन है, ऐसा जहां।